नमस्कार, मैं हूँ राशि वर्मा। भारतीय मानव सेवा संगठन की मैं चेयरमैन हूँ, फाउंडर हूँ और आज मैं आई हूँ पद्मावती मानव सेवा संगठन चिराग मोहित संगठन की ओर से। और हम आए थे संत गार्गी महाराज के आश्रम में। संत गार्गी जी महाराज के आश्रम जो है कैंसर पेशेंटों से भरा हुआ आश्रम है और यहाँ पे पद्मावती जो हमारी संगठन है, मानव सेवा संगठन, हमेशा भोजन का प्रदान प्रसाद प्रदान करते रहते हैं। हमेशा मैं इनके आश्रम में आती रहती हूँ। आज जो आए हैं, आज की जो स्वर्गीय श्री गोविंद जी लीलाधर भानुशाली जी और स्वर्गीय माता जी लक्ष्मी बहन भानुशाली जी का पुण्य तिथि है। आज इस पुण्य तिथि में उनके बहुत प्यारे से बेटा, हम उनके नाम ही पूछेंगे, वो इस पुण्य तिथि पे कैंसर पेशेंटों को भोजन का प्रसाद वितरण किया है। तो सही में आज बहुत मुझे अच्छा लग रहा है कि एक बेटा अपनी माता पिता के पुण्य तिथि में कि भोजन का प्रसाद वितरण कर रहा है कैंसर पेशेंट को, वो भी गार्गी जी महाराज के आश्रम में। तो मैं उनके पास अभी जा रही हूँ दर्शकों, कि देखिए मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आज उनको कैसा लगा। धन्यवाद जी, आपने बहुत अच्छा कार्य किया। तो प्लीज़ मैं चाहती हूँ आपका नाम बताइए। जयंती भाई भानुशाली। जयंती बाई भानुशाली, तो मैं सभी को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जयंती बाई भानुशाली जी आपने माता पिता के पुण्य तिथि पे कि कैंसर पेशेंटों को प्रसाद वितरण करके कितना बड़ा काम किया। और उनकी श्रीमती जी, आपका नाम? गीता भानुशाली। गीता भानुशाली, गीता भानुशाली और जयंती भानुशाली, रियली बहुत बड़ा काम है ये। अपने माता पिता की पुण्य तिथि पे गार्गी महाराज के आश्रम में 500-600 कैंसर पेशेंट को भजन प्रसाद वितरण करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं चाहती हूँ दर्शकों, आप लोग भी ऐसा कीजिए और रियली, और हमारे इस कार्यक्रम में हमारी जो पद्मावती संगठन के ओर से सभी लोग जुड़े हैं, मैं भी जुड़ी हूँ और जो हमारी बहनें जुड़े हैं उन सभी को मैं धन्यवाद करती हूँ। और विश्राम भाई जो इनका कर्ता धरता है, उनको भी मैं दिल से तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वो इन ये सब कार्यक्रम में जो कैंसर पेशेंट को भोजन वितरण करने का, प्रसाद वितरण करने का काम कर रहे हैं, वो धन्यवाद हैं। अभी मैं चाहती हूँ आप बताइए आपका शुभ नाम। मेरा नाम शुभ नाम मयूरी सोनी। बोलो आपका शुभ नाम। मयूरी सोनी। मयूरी सोनी, तो आप भी पद्मावती ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं? हाँ, हम पद्मावती ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं और चिराग मोहित ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर संत गाड़गे बाबा महाराज धर्मशाला में हम कैंसर पेशेंट को काउंसलिंग करते हैं, मेडिटेशन करवाते हैं और उनकी जो बीमारी है उनको कैसे हम जड़ से निकालें उसके लिए हम उनको सपोर्ट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप माता जी, आप बताएंगी? विमड़ा भानुशाली। विमड़ा भानुशाली, आप भी भानुशाली परिवार से हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद है। आप भी भानुशाली परिवार से हैं और पुण्य तिथि पे आप भी ये कार्य कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। आप माता जी? नीता भानुशाली। नीता भानुशाली, तो आप भी एक ही परिवार से हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका माता जी? भारतीय कटारिया। भारतीय कटारिया, आप भी परिवार से हैं, तो रियली मैं चाहती हूँ भानुशाली परिवार को ऊपर वाला आशीर्वाद दे, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारे बीच है हमारी बहन, बताइए। टीना नरेंद्र महेश्वरी। टीना नरेंद्र महेश्वरी, ये हमारी पद्मावती ट्रस्ट से जुड़े हैं और सेवा भी करती हैं, सेवादार हैं। तो रियली मैं पद्मावती जो हमारी ट्रस्ट चल रही है और हमारी सब लोग, हम लोग एक ही परिवार के हैं और इस परिवार को जोड़ने में विश्राम भाई जी है, वो ही सभी को जोड़ के रखे, एक ही माला पे उनको फिरोज के रखे हैं। तो इसलिए बार बार विश्राम भाई जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने इतना नेक काम कर रहे हैं आज की कलयुग में। आज की कलयुग में नर सेवा नारायण सेवा बहुत बड़ा बात है। और हमारे बीच और एक भाई है, आपका शुभ नाम? रणवीर सिंह मेरा नाम है, मैं भी इन्हीं लोगों के बीच में हूँ। आज मेरा प्रथम आना हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही नेक काम है और बहुत ही अच्छा काम कर। हमारे बीच आज पहली बार आए हैं रणवीर सिंह जी, और पहली बार है, उनको बहुत अच्छा लगा कि भाई इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ लोग ऐसे कार्य करते रहें, अपनी जन्मदिन पे, पुण्य तिथि पे, माता पिता का पुण्य तिथि पे और जन्मदिन में। और हमारे बीच में बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो गार्गी महाराज आश्रम से ही जुड़े हुए हैं, और मैं सभी को धन्यवाद करती हूँ। और हमारे गार्गी महाराज जी का भी जो बड़े सर है, प्रशांत जी भी है, उनको भी धन्यवाद करती हूँ और सभी को मैं धन्यवाद करती हूँ। और
हाँ, पद्मावती मानव सेवा संगठन को मैं धन्यवाद करती हूँ, चिराग मोहित को भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि आगे आगे जो है इन्होंने कार्य ऐसा करते रहे। और जयंती भाई, और रियली आप लोग ने इतना अच्छा काम किया और आप लोग को देख के लोग भी ऐसा कार्य करते रहे, है ना। तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि ऊपर वाले माता पिता आशीर्वाद देंगे कि हमारी पुण्यतिथि पे हमारे बच्चे बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, और जो कैंसर पेशेंट है उनकी भी दुआ लगेगी, ये तो दुआई है। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नर सेवा नारायण सेवा, नर सेवा से आगे कुछ नहीं है। धन्यवाद।